गाइस, आज हम जानने वाले हैं ग्रीन आयरन किड और उसके भाई ब्लू आयरन किड की इवोल्यूशन के बारे में। किस तरह से रेड हल्क उनको किडनैप करता है, उनसे पैसे कमाना चाहता है, लेकिन हमारा टोनी स्टार्क उन बच्चों को बचा लेता है, लेकिन रेड हल्क अपने दोस्तों के द्वारा टोनी स्टार्क को बेचारे आयरन किड्स के सामने मरवा देता है। इसलिए वो बदले की आग में अपनी इवोल्यूशन को इतना बढ़ाते हैं, एक दिन बन जाते हैं वो ब्लू एंड ग्रीन आयरन गॉड। क्या वो अपने टोनी स्टार्क का बदला ले पाएंगे या नहीं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हे गाइस, देखिए मैं कैसे उड़ रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, बच्चा करतब दिखा रहा है। अरे नहीं यार, मेरे से तो ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा है। गाइस प्लीज कहीं जाना मत, मैं और मेरे भाई बहुत दिनों से भूखे हैं और हम आयरन किड हैं। जी भैया प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे भी भूख लगी है। मेरे भाई तो चिंता मत कर, अभी हम इन लोगों को करतब दिखा रहे हैं, हमें पैसे देंगे। जी भैया देखिए, मैं भी यहाँ पर खूब करतब दिखाऊंगा। मेरे भाई तू रो मत, तू उड़ सकता है। अरे नहीं भैया, मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जाता, मैं उड़ूंगा कहाँ से, प्लीज हमें पैसे दो। हाँ कितना पागल बच्चा है, इनको उड़ना भी नहीं आता यार, ये कितने नूब है। अरे नहीं, हमारा मजाक मत उड़ाओ, मेरा ब्लू भाई बहुत अच्छा है। जी गाइस प्लीज कुछ खाने को दे दो, हम बहुत गरीब है। अरे जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। अरे वाह, यहाँ पर तो काफी लोग एंटरटेन हो रहे हैं दोनों बच्चों की वजह से। लगता है ये दोनों भाई मुझे बहुत पैसा कमवाएंगे, मैं इनसे करवाता करवाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, इनको किडनैप कर लूंगा। प्लीज गाइस प्लीज हमें कुछ दे दो खाने के लिए, हम बहुत भूखे हैं, हमें पैसे दे दो। चलो रहा भागो, शो खत्म, इन बच्चों को पकड़ो। भैया बचाइए, भैया बचाइए, भैया मुझे खाने की जा रही है। ओरा यार चुप रहा बच्चे, मेरे साथ चलो तुम दोनों के दोनों अभी कभी। अरे बाप रे, कहाँ लेकर आ रहा है। अरे गाइस कोई प्लीज हमें बचाओ, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है, हमें ताकतवर होना। गाइस जो भी हमारा दोस्त बनना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चुप करो बच्चे, आज के बाद तुम मेरा गुलाम हो, मैं तुमसे करतब करवाऊंगा मजेदार वाले, उसके बाद मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। अपने दोस्त को लाओ पिंक रिवेंजर। भैया जल्दी आ जा, यहाँ पर मैंने कुछ बच्चे लिए हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके के हैं, बहुत अच्छा करतब दिखाएंगे, पैसा लेकर आइयो, मजा आएगा, वाह 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 वाह। और सुन, बाकी के लोगों को भी बुला ला। अरे नहीं गाइस, ये किस किस को बुला रहे हैं, प्लीज रेडल के साथ मत कर। अरे भैया जल्दी जल्दी चलते हैं, हम भी तो देखते हैं कौन आया, कौन बच्चों ने करतब बना लिए, ऊपर चलते हैं, ये ऐसे करके चलते हैं। आ जाओ रे ऊपर ही आ जाओ। अरे गाइस ये कौन आ रहा है, देखिए तो ये कितना बड़ा सा है। हाँ भैया रेडल का आगे भैया आगे भाजी, तो छोटे छोटे आयरन किड है। अरे गाइस हमें तो काफी डर लग रहा है, आप हमें मार मत देना। प्लीज हमको मारना मत, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरे छोटे भाई तू घबरा मत। चुप करो रे बच्चे, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, चलो रे करतब दिखा। बिल्कुल करतब देखो, कितने कितने से बच्चे हैं ये, करतब दिखाएंगे तुमको लोड़ के। बिल्कुल बात तो सही है, हम तो बहुत पैसा कमा लेंगे इनसे बेच बेच कर इनको। और अब बेचना नहीं है, हम पूरे शहर भर में इनका तमाशा बनवाएंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस है। बात तो सही है तेरी, चल ठीक है इनसे कुछ करतब तो करवा, तभी तो मजा आएगा। हाँ ठीक है, अभी करतब करवाते हैं, ये उड़ के भी दिखाएंगे, नाच कर भी दिखाएंगे। और अब बाप रे उड़ो रहे बच्चो। अरे गाइस देखिए मुझे उड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये मुझे मारेंगे। हाँ बिल्कुल उड़ो, उड़ो क्या, दिखाओ तमाशा दिखाओ, हम पैसा कमाएंगे। गाइस मुझे ना अपने भाई के साथ यहाँ से भागना होगा, नहीं तो दोस्तों ये मुझे और मेरे भाई को जिंदगी भर ऐसी गुलाम बना के रहेंगे। भैया जी प्लीज हमें भागना होगा यहाँ से। बिल्कुल मेरे छोटे भाई, हम भाग जाएंगे समय आने पर। दोस्तों हम अपनी वॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं, लोगों को बहुत ही बुरे। चुप कर बात कर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी कर करता दिखा। अरे गाइस यहाँ से भागना होगा किसी भी हालत में, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, देखिए ये कितने पैसे कमा रहे हैं हमारे करतब दिखा दिखा कर। ये रेडल बहुत ही बुरा है। हे सर हमें कुछ खाने को दे दो। चुप कर बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तुम सिर्फ मेहनत करोगे, गुलाम हो तुम, गुलाम की तरह रहो। अरे भैया जी मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे छोटे भाई ब्लू हल्क तू चिंता मत कर, हम यहाँ से निकल के रहेंगे। जल्दी जल्दी चलता हूँ, आज मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन दोनों बच्चों से करतब करवाऊंगा और जाने के बाद वो बच्चे मेरे को बहुत ही अमीर बना देंगे। आज तो कम से कम $1 million जीतूंगा मैं। सुना तुम दोनों भाइयों। जी बताइए। हाँ बताइए। चलो मेरे साथ अभी के अभी, और मैं तुमसे आज बहुत ही खतरनाक करतब दिखवाने वाला हूँ, उन करतब का यूज करके मैं $1 million कमाऊंगा। वाह वाह वाह, तुम मेरा गुलाम हो। गाइस आज ही सही मौका है, जैसे आज हमें रास्ते में लेके जाएगा हम इसके चंगुल से भाग जाएंगे, उसके बाद ये कभी भी हमें टॉर्चर नहीं करवा पाएगा, ना ही जबरदस्ती करेगा। जी भैया हमें भागना ही होगा। मेरे छोटे भाई हम बहुत ही महीनों से भूखे हैं, मैं जानता हूँ, तू चिंता मत कर, आज हमारे दोस्त हमारे सब साथ हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। गाइस अगर आप हमारे साथ हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखना, आपकी मदद से ना हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकत मिलेगी, इसलिए गाइस कमेंट में यस जरूर लिखना। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ, बच्चा लो खिचड़ी मत पकाओ, समझे, चुप रहो बिल्कुल। भैया जी अभी भागने का मौका है। बिल्कुल चिंता मत कर मेरे भाई, मेरे छोटे भाई ब्लू, मैं तुझे बचा लूंगा, रुक जा। अरे भाई नहीं ब्लू मेरे साथ चल। भैया मैं उड़ नहीं सकता।
अरे नहीं गाइस, फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा। भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचाने आऊंगा। आ रुक रहा, कहाँ भाग रहा, तेरा भाई को मार दूंगा। नहीं गाइस, मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। अगर मैंने अपने भाई को नहीं बचाया तो वो मुझे मार देगा, सबको मार देगा। वो टोनी सर, टोनी सर। गाइस मैं ना इस दुनिया के सबसे ही ज्यादा अमीर आयरन मैन के पास आया हूं। एक मिनट, वाह ये तो कोई ग्रीन आयरन मैन का बच्चा है। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरे पास बात करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, मेरे छोटे भाई को बचा लो। मेरा भाई ब्लू आयरन किड है और रेडल उसको खत्म कर देगा। एक मिनट क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझाएगा? असल में मुझे और मेरे भाई को रेडल ने गुलाम बना रखा है, वो जबरदस्ती हमसे काम करवाता है, खाने को भी नहीं देता कुछ। ओ तो ये रेडल कैसे काम कर रहा है? तू चिंता मत कर बच्चे, मैं अभी कभी जाता हूँ और तेरे भाई को बचाने चलता हूँ। सर मैं भी चलूंगा आपके साथ, प्लीज मुझे भी लेके चलिए। बच्चे तू यही रहे, मेरी बात मान, तेरे लिए जाना सेफ नहीं है। जावेज पूरे के पूरे डेटाबेस को क्लियर करो और अभी ढूंढो उस रेडल के, वो कहाँ पर है, हम उसे अभी सैटेलाइट व्यू से ढूंढेंगे। और अब आप ये कौन आ गया? ये छोटा भाई ग्रीन आयरन किड का ही बड़ा भाई है ना? नहीं मैं तो छोटा भाई हूँ। हाँ मतलब तू उसका छोटा भाई है ना, ग्रीन आयरन किड का। बिल्कुल सही कहा, आप कौन? मैं टोनी स्टार्क हूँ, तेरा भाई मुझे ढूंढा पहुंच गया था और अब इस रेडल को पीट कर मैं तुझे बचाने आया हूँ। और टोनी स्टार्क गलती कर रहा है, मेरी हल्की टीम बहुत खतरनाक है, तुझे जान से मार देगा ग्रीन रिवेंजर। अरे मैं तुम लोगों से नहीं रहता समझा, मैं ये बच्चों को लेके जा रहा हूँ। आज के बाद ये इवोल्यूशन अपने आप बढ़ाएंगे और तुझसे भी पावरफुल बनेंगे, समझा तू? गलती कर रहा टोनी स्टार्क, सच बता रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा अपने दोस्तों के साथ, तू मेरे $1 million के ग्राहक को लेकर जा रहा है, समझा? अरे बाहर में जा, चल मेरे साथ बच्चे। बिल्कुल सर जी, चलिए मेरे भाई के पास लेके चलिए मुझे। बिल्कुल बच्चे, मैं तुझे अभी लेके जा रहा हूँ, तू घबराना मत, मैं हूँ टोनी स्टार्क, इस दुनिया का सबसे कूल एंड गोल्डन आयरन। तो देख ये रहा मेरा स्टार्क मेंशन। अरे वाह, आप तो काफी अमीर लगते हैं सर जी। अरे वाह गाइस, यहाँ पर मेरे छोटे भाई को ही लेकर आ गए, थैंक यू सो मच टोनी सर, आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बच्चों तुम चिंता मत करो, आज से ही मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊंगा, तुम लोगों को मैं फौलाद बना दूंगा कि तुम उस रेड हॉक से तो क्या उसकी पूरी की पूरी टीम से भी नहीं हराओगे। ऐसा तो लेकिन हम ऐसे करेंगे कैसे? हाँ सर जी, हम तो बहुत ही नूब है। हाँ तो उसके लिए मुझे तुम्हें ट्रेनिंग वेनिंग करवानी पड़ेगी। तो देखो तुम लोगों को करना क्या है, सामने यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिन पर तुम्हें शूटिंग करनी होगी, जो भी जितने अच्छे ग्रेड्स लाएगा उसको उस हिसाब से लंच मिलेगा बढ़िया तरीके का। तो तुमने बहुत दिन से खाना नहीं खाया ना? हाँ सर जी, और मेरे छोटे भाई ने भी नहीं खाया। बिल्कुल सर जी, मैं अगर यहाँ पे अच्छी तरह से फोड़ूंगा तो मुझे खाना मिलेगा ना? बिल्कुल बच्चे, इसलिए अच्छी तरह से लगा रहे। यस गाइस, मुझे खाना मिलेगा, मैं अपनी इवोल्यूशन का आगे बढ़ाऊंगा। अरे वाह, मैं तो अच्छी तरह से यहाँ पे बॉम्ब मार रहा हूँ। बिल्ली बिल्ली, बहुत बढ़िया बच्चे, तू कर सकता है। बिल्कुल मेरे छोटे भाई, तूने काफी अच्छा किया। गाइस यहाँ पे मेरे छोटे भाई ने अच्छी खासी शूटिंग की, चिंता मत कर, आगे तू और बेस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों मैं हूँ ग्रीन आई किड और मुझे भी करना होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है ग्रीन आई किड, तेरा निशाना तेरे छोटे भाई से बेटर है। बिल्कुल सही कहा। तो गाइस हमें यहाँ पे पूरी हालत में बहुत अच्छी तरह से पूरे के पूरे बोर्ड्स को शूट करना होगा। अभी भी मैं कुछ निशाने मिस कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आने वाले 20-22 सालों में मैं और मेरा भाई बन जाएंगे गॉड ग्रीन एंड गॉड ब्लू आयरन मैन। उसके बाद दोस्तों रेड हल्क जैसे लोग कभी भी मुझे और मेरे भाई को नहीं सताएंगे। बिल्कुल सही कहा बच्चे तूने, जल्दी जल्दी चलता हूँ, 22 साल हो गए हैं, अब बहुत हो गया, उन दोनों बच्चों को मुझे किडनैप कराने होगा। ग्रीन रिवेंजर हल्क, क्या बात है, मेरी बात सुनिए प्लीज, अब समय आ गया है उस टोनी स्टार्क से उन दोनों बच्चों को छीन लेने का। सोचिए जब वो छोटे थे तो मैं तमाशा दिखवाया कर उनसे दिन में $1 million कमा लिया करता था, अब तो हम दिन के $10-10 million कमा सकते हैं। बहुत तो तुम्हारी सही है, तो एक काम करते हैं, जाते हैं, जाकर टोनी स्टार्क के सारे सूट खराब करेंगे और उन बच्चों को किडनैप कर लाएंगे। बिल्कुल सही कहा रेड रिवेंजर जी। ए, मैं रेड नहीं हूं, मैं ग्रीन रिवेंजर हूं, समझा? अरे सॉरी सॉरी, गलती से बोल दिया, चलिए मेरे साथ और अभी जाके ढूंढते हैं उन बच्चों को। बिल्कुल वो स्टॉक मेंशन ही होंगे, हम वहीं जाएंगे और उन बच्चों को पकड़ के ले आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह वाह वाह, अरे ये रहे वो बच्चे। एक मिनट गाइस, ए तू मेरे टोनी सर को क्यों पकड़ रहा है? मैं छोड़ मुझे रेड हॉक, अरे क्या कर रहा है, जाओ मेरा सूट बनाओ। अरे तेरा सूट तो पहले बेकार हो जाएगा। अरे भैया देखिए वो टोनी सर को मार रहा है। हाँ मेरे भाई तू चिंता मत कर, भैया मुझे मार रहा है। मेरे ब्लू आयरन मैन भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, चलो जल्दी जल्दी। टोनी स्टार्क तो गया भाड़ में। बिल्कुल सही कहा ग्रीन रिवेंजर जी। अरे गाइस ये कहाँ पर आ गया? भैया देखिए वो दोनों कैसे नाच रहे हैं और मेरी हालत खराब हो गई, भाई मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। भैया हम कहाँ फंस गए, देखिए हम तो जाल में फंसे पड़े हैं। और अब मजा आ गया, हाँ अब तुम तमाशा दिखाओगे, हम पैसे कमाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अरे गाइस ये तो रेड रिवेंजर का भाई ग्रीन रिवेंजर है। हाँ भैया, और टोनी सर कहाँ पर है? अरे बाप रे गाइस, वो दोनों बच्चों को ले गए, वो ग्रीन रिवेंजर कहाँ से आ गया, उसको तो मैंने पहली बार देखा। नहीं मेरे माँ के 85 का ये कैसी हालत कर दी उन लोगों ने, मेरे सूट को पूरी तरह से गाइस तबाह कर दिया। मुझे उन दोनों बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो उनकी इवोल्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है।
मुझे उन दोनों को गॉड ब्लू आयमन एंड गॉड ग्रीन आयमन बनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गाइस उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। ए तुम दोनों इन बच्चों को छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। अरे सर आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, आपका सूट कहाँ है? बच्चों मेरा सूट खराब हो गया है, इन लोगों ने उसको खराब कर दिया है। ए रेड हल्क और ग्रीन एवेंजर हल्क प्लीज इन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। पागल हो गया ये, बिल्कुल पागल हो गया ये टोनी स्टार्क, बिना सूट के तो मत छड़ा गया है, मार दो उसको। बिल्कुल मार दे। ए नहीं प्लीज मत मारो, अरे नहीं प्लीज मत मारो हमारे टोनी सर को, ये हमारे टोनी सर को मार रहे है। मर गया तुम्हारा टोनी स्टार्क, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये ले। मजा आ गया, अब आज के बाद तुम हमारे लिए काम करोगे। बिल्कुल काम करेंगे हमारे लिए, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। गाइस मुझे फिलहाल यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे मेरे भाई को भी ये टोनी सर की तरह मार देंगे या गुलाम बनाएंगे। अरे भैया हम जिंदा रह के क्या करेंगे? मेरे ब्लू आयरन मैन भाई तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ टोनी सर हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे दिलों में, तू चिंता मत कर वो हमारे साथ रहेंगे। मैं बस यहाँ पर तुझे वादा दिलाता हूँ, इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि हम एक दिन अपनी इवोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और उस रेड हल्क से एंड ग्रीन एवेंजर हल्क से बदला लेंगे। उसके लिए गाइस मुझे और मेरे भाई को बहुत ताकतवर बनना होगा, इसलिए हम यहाँ पे ना जी जान से पूरी की पूरी बढ़िया वाली ट्रेनिंग करेंगे और आने वाले 90 या 100 सालों में हम बन जाएंगे गॉड ग्रीन आयरन मैन एंड गॉड ब्लू आयरन मैन। गाइस अगर आप चाहते हैं मैं और मेरा भाई बहुत ताकतवर बन जाए तो प्लीज हमारे साथ रहना और हमें किसी भी हालत में बदला लेना होगा अपने टोनी सर का, वो बहुत ही अच्छे थे, हमारा ख्याल रखा करते थे। बिल्कुल भैया मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग करूंगा, देखिए रात और दिन मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरे भाई लगा रहे। गाइस देखिए मेरे भाई को ये अब कितना ज्यादा मैच्योर होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी अच्छी तरह से सारे के सारे ट्रक्स को एंड इतने बड़े बड़े रेल्स को फेड़ जा रहा है। बिल्कुल भैया मैं भी यहाँ पे बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ अपना। तो गाइस यहाँ पर इसी तरह से रात और दिन गुजरते जा रहे हैं और मैं और मेरा भाई बहुत ही हैवी तरह से अपनी पोजीशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भाई ये देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं सारे के सारे ट्रक्स को फोड़ता जा रहा हूँ और मेरा निशाना भी बढ़िया हो रहा है। गाइस बहुत समय हो चुका है और हम बन गए ग्रीन गॉड आयरन मैन एंड ब्लू गॉड आयरन मैन। बिल्कुल भाई लेकिन हम कैसे बचाएंगे अपने टोनी सर को? मेरे भाई अब टोनी सर नहीं बचे, अब तू और मैं ही रह गए इस दुनिया में। उसके लिए हमें हराना होगा गॉड ग्रीन रिवेंजर हल्क को और साथ साथ में उस रेड हल्क को, क्योंकि उसी ने हमारे टोनी सर को हमसे छीन लिया था। बिल्कुल भैया लेकिन हम उनको हराएंगे कैसे? वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो तुम लोगों ने रात दिन ट्रेनिंग की, बिल्कुल सही कहा, और आने वाले 1-2 महीने में हम इतने खतरनाक बन गए। क्या फायदा इतने खतरनाक बनने का, तुम तो मुझसे भी मार जाओगे। हाँ बिल्कुल हार जाएंगे दोनों के दोनों, ये कीड़े हैं हमारे सामने। अरे गाइस नहीं, ये लोग हमें बिल्कुल बुजदिल समझते हैं लेकिन हम है नहीं, हम तुम्हें पूरी तरह से पीटेंगे। गाइस आज समय आ गया है इन दोनों को धूल चटा देने का। अच्छा हरा कर दिखाओ जरा हमें। बिल्कुल भैया आप एक काम करो, उस रेड वाले को आप मारो और इस ग्रीन वाले को मैं मारता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई। तो गाइस अभी हम इसको पीटना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा भाई ब्लू वाला इसको पीट रहा है। अरे तुम मरोगे पूरी तरह से। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल मेरे ब्लू भाई मार इनको। बिल्कुल भैया मैं इनको मार रहा हूँ दोनों को। अरे बाप रे ये ब्लू तो बहुत खतरनाक है और मैं भी बहुत खतरनाक हूँ, भैया साथ में मिलके मारते हैं इनको। बिल्कुल भाई हम साथ में मारेंगे। अरे प्लीज हमें माफ कर दो, अरे गलती हो गई। वाह गाइस मेरे ब्लू आयरन भाई को देखिए कितने खतरनाक तरीके से इसने और मैंने मिलके दोनों दुश्मनों को हरा दिया। बिल्कुल गाइस हमने अपने दुश्मनों को मार दिया और हमारे टोनी सर की आत्मा को अब शांति मिलेगी। बिल्कुल गाइस मैं और मेरा भाई अब बहुत ही ज्यादा समझदार और गॉड ब्लू एंड ग्रीन आयरन बन चुके हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जो लिखना, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।